लालू के बड़े लाल या तो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं या तो कुछ नया करके, लेकिन इस बार लालू यादव के बड़े लाल के साथ हो गई है धोखाधड़ी। आप कहेंगे कि इतने बड़े नेता को भी कोई चूना लगा सकता है क्या, तेज प्रताप के साथ धोखाधड़ी कर सकता है क्या? तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के साथ 71,000 की धोखाधड़ी हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कुछ महीनों पहले अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया था। उनकी कंपनी LR अगरबत्ती से एक कर्मचारी 71,000 रुपए लेकर फरार हो गया है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने पुलिस थाने में एक आवेदन किया है। तेज प्रताप यादव ने SKपुरी थाने में आशीष रंजन के खिलाफ आवेदन लिखा है। आशीष रंजन कंपनी में मार्केटिंग का काम देखता था। उस पर आरोप है कि वो कंपनी के 71,000 रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी आशीष की तलाश में जुट गई है। पटना के SKपुरी थाने के थाना अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आशीष रंजन मेरे यहाँ मार्केटिंग का काम देखता है, उसने बिना मेरी अनुमति के फ्रॉड करके अपने अकाउंट में 71,000 रुपए मंगा लिए। ये पैसा मेरी कंपनी LR राधा कृष्ण अगरबत्ती के अकाउंट में जाना था, अतः आशीष रंजन के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस की माने तो आरोपित शख्स ने जल्द ही पैसे वापस करने की बात भी कही है। शख्स की माने तो वो ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए हैं। तकनीकी दिक्कत की वजह से वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने इसी साल LR राधा कृष्ण अगरबत्ती नाम से अगरबत्ती बनाने की एक कंपनी की शुरुआत की थी, जिसका एक शोरूम भी बनाया गया है। तेज प्रताप की इस कंपनी में कई तरह की अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें चंदन, चमेली, गुलाब समेत कई तरह की खुशबू की अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है। इस कंपनी का नाम तेज प्रताप यादव ने पिता लालू और मां राबड़ी के नाम पर रखा है। काफी कम समय में ये दुकान काफी फेमस हो गई है। पटना से सटे दानापुर में लालू खटाल में इस अगरबत्ती की कंपनी की फैक्ट्री डाली गई थी। लालू खटाल का मतलब लालू की गौशाला से है। वहां लालू यादव बड़ी संख्या में गाय और भैंस रखा करते हैं। अब इसी फैक्ट्री में अगरबत्तियां बनती हैं और शोरूम में बेची भी जाती हैं।